Assalamualaikum. Knowledge for all में वेलकम करते हैं उम्मीद है आप सब से होंगे। कब, कहां और कैसे सीरीज के एक टॉपिक छब्बीस जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस के खसूसी हुक्म पर नई आजाद ममलिकत पाकिस्तान की पहली कानून साज इसमें का क्या अमल में आया जिसका अफ्तला दस अगस्त उन्नीस को कराची में सिंध इसम्बली की मौजूदा इमारत में शुरू हुआ था व्यवर्स पाकिस्तान की पहली हुक्मरान जमात आल इंडिया मुस्लिम लीग के नामजद वजीर अजम नवाबजादा लियाकत अली खान की तजवीज़ और ख्वाजा नाजमुद्दीन की तारीख पर इसम्बली के गैर मुस्लिम रुकन और नामजद वजीर कानून व मेहनत नाथ मंडल को आर्जी सदर मंतख किया गया था इजलास का आगाज़ मेबर इसम्बली मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की तिलावत कुरान पाक से हुआ था रिवर्स अगले रोज़ यानी 11 अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को दस्तूरसाज इसम्बली का इजलास दोबारा मनक़द हुआ जिसकी सदारत जोगिंदर नाथ मंडल ने की उन्होंने इसम्बली को बताया कि कायद अवान के इंतबाब के लिए सात अरकान नेदाजम मोहम्मद अली जिना को नामजद किया है और सभी अरकान ने तीद की है तमाम कागजात नामजदगी चूंकि दुरुस्त हैं और कोई मदमकबल भी नहीं इसलिए कायदाजम मुतफ़ा तौर पर दस्तूरसाज इसम्बली के सदर मंतब करार पाए इस मौके पर कायदा अजम ने वो तारीखी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने वाज तौर पर कहा था कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा पाकिस्तान की इस पहली असम्बली के इस फैसले की रोशनी में ताजदार बरतानिया नेदा अजम को नौ आजाद ममलिकत पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मुकर कर दिया था जिसका ऐलान पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को पाकिस्तान के पहले सरकारी गजट में किया गया था व्यूवर्स ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस ही को पाकिस्तान का कौमी पर्चा मंजूर किया गया था जिसे परचम सितारा और हिलाल का नाम दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सब्ज हिलाली परचम में एक सफ़ेद पट्टी का इजाफा किया गया था सब्ज रंग मुसलमानों और खुशहाली और सफेद रंग गैर मुसलमों और आज़ादी की अलामत था जबकि चांद तारा रोशन इल्म और रोशनी के अलावा इस्लाम और इसके पाँच बुनियादी अरकान की नुमाइंदगी भी करता था लंबाई और चौड़ाई में दो तहाई का फ़र्क है इसका डिज़ाइन अमीर उद्दीन ने बनाया था जबकि पहला परचम टेलर मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया था जो बारीक उन्हीं दोहरे कपड़े के दोनों तरफ सफेद तिल्ले की कढ़ाई किया हुआ चांद सितारा था व्यूवर्स 12 अगस्त 1947 को इसम्बली ने मुतफ़ा तौर पर बानिय पाकिस्तान और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिनाह को कायदेजम का सरकारी खिताब देने की मंजूरी दे दी थी व्यूवर्स 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी तक जारी रहने वाले इस खसूस इजलास में आखिरी दिन वाइस राय हिंद लॉर्ड माउंट बैटन ने खिताब किया और ताजदार बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को आज़ादी की मुबारकबाद दी इसी बजे सरकारी पर पाकिस्तान एक आजाद के नक्शे पर, पर उभरा था इस अजलास में यह भी तय पाया जब तक पाकिस्तान का मुस्तक आइन तैयार नहीं होता उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन को बाज तराम के साथ पाकिस्तान के आइन की शक्ल दी जाए बानिय पाकिस्तान का एजम ने जल्द अज जल्द एक अबूरी आइन की तैयारी पर जोर दिया था लेकिन ये यक जमाती दस्तूरसाज इसम्बली सात साल में आइनस में बुरी तरह से नाकाम रही थी बिलाखिर चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ चौवन को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली दस्ूरसाज इसम्बली को तोड़कर मुल्क भर में हंगामी हालत नाफज कर दी थी व्यवर्स पाकिस्तान की पहली कानून साज इस्बली में आल इंडिया मुस्लिम लीग के अरकान का इंतबाब उन्नीस सौ पैंतालीस छतालीस के इंतबा के नतीजे में अमल में आया था मुतहदा हिंदुस्तान के मरकज दस्तूर साज इसमी में कुल तीस मुस्लिम नशस्तें थीं लेकिन पाकिस्तान की पहली इसम्बली में कुल उनहत्तर अरकान थे इनमें से चौदह गैर मुस्लिम थे पाकिस्तान की दस्तूर साज इसमी में मशरक बंगाल के चवालिस पंजाब के सत्रह सिंध के चार सरहद के तीन और बलूचिस्तान का एक नुमाइंदा शामिल था लेकिन ये असल नुमाइंदे नहीं थे क्योंकि कायदे अजम मुंबई से जीते थे लेकिन उन्हें पंजाब के अरकान में शामिल किया गया जबकि लियाकत अली खान यूपी से जीते थे और इन्हें बंगाल की फहरिस्त में शामिल किया गया था व्यूवर्स ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज।